डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। मैं राजीव कुमार आप लोगों को ये सामने लेके आ रहा हूँ 2019 और 20 के जनवरी सेशन में पूछे गए जो जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लेकर के आ रहा हूँ आज, है ना। तो ये इसमें केमिस्ट्री सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवाऊँगा, है ना। केमिस्ट्री में हम वेरी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन आए थे और जेई 2019 में आप जानते हो दो सेशन में, है ना, 2019 के जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था और अप्रैल में एग्ज़ाम हुआ था जेई मेन का, फिर 2020 के जनवरी में हुआ था। तो इन तीन सेशन में जेई मेन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था, उन सारे शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे उनमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कौन कौन कितने क्वेश्चन थे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चंस रहे हैं। तो इन सारे 45 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, टू कॉम्प्लेक्सेस CrH2O, ये होल सिक्स, यहाँ थोड़ा सा फार्मूला ये यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। CrH2O होल सिक्स Cl3, इसको कह रहा है कॉम्प्लेक्स ए एंड दूसरा कॉम्प्लेक्स क्रोमियम का ही है अमोनिया के साथ, ठीक है। सिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर में ही इसको कह रहा है कॉम्प्लेक्स बी, दोनों का कलर दे रखा है, कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स ए वायलेट कलर का है एंड कॉम्प्लेक्स बी येलो कलर का है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम इज, इन दोनों कॉम्प्लेक्स ए और बी के रिगार्ड में कौन सा चार में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट देखें, डेल्टा नॉट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ वायलेट एंड येलो लाइट रेस्पेक्टिवली। बिल्कुल, डेल्टा नॉट वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, चूंकि ये जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा, ये जो लाइट शो कर रहा है, ठीक, ये जो कलर शो कर रहा है, इस कलर का कॉम्प्लीमेंट्री लाइट ये अब्जॉर्ब करेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री लाइट के अकॉर्डिंग, है ना, आप उसका CFSE कैलकुलेट हो जाएगा, है ना, जो भी होगा कॉम्प्लीमेंट्री लाइट का लैम्डा, लैम्डा के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू डेल्टा नॉट इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो जाएगा, सही स्टेटमेंट है। सेकेंड देखें, बोथ आर डायमैग्नेटिक विथ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आप क्रोमियम देखो, क्रोमियम प्लस 3 स्टेट में है, है ना, क्रोमियम प्लस 3 स्टेट में है, और क्रोमियम प्लस 3 स्टेट में इसमें D3 होता है, और D3 होता है तो चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगैंड हो या वीक फील्ड लिगैंड हो, है ना, ये कोई भी पेयरिंग नहीं करवा पाएगा। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, और ये स्टेटमेंट देखो ना, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात भी कह रहा है और डायमैग्नेटिक भी बात कर रहा है, ये एक स्टेटमेंट ही अपने आप में कंट्राडिक्टरी है, तो इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो सेकंड हो जाएगा इनकरेक्ट। सेकंड क्वेश्चन देखें, द कॉम्प्लेक्स दैट हैव हाईएस्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हाईएस्ट किस में है, ये चार ऑप्शन में ये कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्स हैं। पहला कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में है, दूसरे कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है, तीसरे में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, चौथे में भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। जाहिर सी बात है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल 1, 3, 4 है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, चूंकि सेंट्रल मेटल आयन कोबाल्ट ही है और कोबाल्ट 1, 3, 4 तीनों में ही प्लस 3 स्टेट में है, तो देखेंगे लिगैंड के नेचर पर डिपेंड करेगा, लिगैंड स्ट्रांग फील्ड होगा, जितना ज़्यादा लिगैंड का फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा डेल्टा ऑक्टाहेड्रल उतना ही ज़्यादा होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग उतनी ही अधिक होगी। तो आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड कहाँ पे है, तो फर्स्ट में 5 अमोनिया और 1 H2O है, थर्ड में 6 के 6 साइनाइड है, और फोर्थ में 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड है। आप जानते हो साइनाइड वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, इसलिए यहाँ जो स्प्लिटिंग एनर्जी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन है, होमोलेप्टिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ ए मेटल आयन M3+ विद 3 मोनोडेंटेड लिगेंड्स L1, L2 एंड L3 एब्जॉर्ब वेवलेंथ इन द रीजन ऑफ ग्रीन, ब्लू एंड रेड रेस्पेक्टिवली। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ इज, ठीक है। तो आप देखो L1 वाला जो है लिगेंड, है ना, लिगेंड और एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, एब्जॉर्ब लैम्डा, है ना। तो ये L1 वाला जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ये ग्रीन रीजन से एब्जॉर्ब कर रहा है,
L2 वाला जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, ये ब्लू से एब्जॉर्ब कर रहा है, और L3 लिगैंड वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो एब्जॉर्ब कर रहा है रेड से, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगैंड स्ट्रेंथ इज, ठीक है, तो अगर लिगैंड स्ट्रांग फील्ड होगा, ठीक है, तो ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, यानी जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ होगा वो छोटा वेवलेंथ होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो E इज इक्वल टू होता है HC अपॉन लैम्डा, लिगैंड का फील्ड स्ट्रेंथ है ना, फील्ड स्ट्रेंथ लिगैंड का यदि ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी का रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, और ज़्यादा रेडिएशन का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो लैम्डा का वैल्यू लोअर होगा। तो ग्रीन, ब्लू और रेड में सबसे लोअर वेवलेंथ जो है ये ब्लू का है, तो L2 का फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, इससे कम फील्ड स्ट्रेंथ L1 का होगा, और सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ L3 का होगा, क्योंकि L3 रेड सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ का ये एब्जॉर्ब कर रहा है L3, तो L2, L1, L3 ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है। आप देखो L1, L2, L3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, नहीं है फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन देखें, L3 सबसे कम बिल्कुल, L1 मिडिल में, और L2 हाईएस्ट बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विल्किंसन कैटलिस्ट इज, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? RH PPH3 होल थ्राइस Cl, RH PPH3 होल थ्राइस Cl, तो ये फर्स्ट कंपाउंड ही ये विल्किंसन कैटलिस्ट है, तो फोर्थ का आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर ए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ये एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, MFCl SCN NO2, यहाँ देखो चार तरह के लिगैंड है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, थायोसाइनेट है, और नाइट्रिटो लिगैंड है, और आपसे पूछ रहा है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होंगे। अब ये देखो है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा ही, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स के चार होते हैं, सॉरी MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्रिकल आइसोमर तीन होते हैं, और साथ ही साथ चूंकि इसमें दो लिगेंड जो है थायोसाइनेट लिगेंड और नाइट्रिटो लिगेंड है, थायोसाइनेट लिगेंड और नाइट्रिटो लिगेंड, ये दोनों लिगेंड क्या है, लिंकेज आइसोमरिज्म शो करेंगे है ना, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड है, थायोसाइनेट का सल्फर भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, ऐसे ही नाइट्रिटो का नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है, तो आप तो एक देखो इनमें है ना, सल्फर डोनेट करेगा थायोसाइनेट का और नाइट्रिटो का नाइट्रोजन डोनेट करेगा, तो एक तो ये हो गया है ना लिंकेज आइसोमर में, दूसरा है ना थायोसाइनेट का सल्फर डोनेट करे और नाइट्रिटो का ऑक्सीजन डोनेट करे, और तीसरा हो जाएगा है ना इसका थायोसाइनेट का नाइट्रोजन डोनेट करे और नाइट्रिटो का नाइट्रोजन डोनेट करे, और चौथा हो जाएगा थायोसाइनेट का नाइट्रोजन डोनेट करे और नाइट्रिटो का ऑक्सीजन डोनेट करे, तो ये चार तो लिंकेज आइसोमर्स बन जाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और हरेक लिंकेज आइसोमर्स के लिए है ना, हरेक लिंकेज आइसोमर्स के लिए तीन तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो जाएंगे, तो इंटू थ्री कर दो तो 4 × 3 12 आइसोमर्स हो जाएंगे टोटल, तो 5 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6, ए रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड एंड इथिलीन डायमीन इन ए 1:2 मोल रेशियो जनरेट्स 2 आइसोमेरिक प्रोडक्ट, ए वायलेट कलर्ड एंड बी ग्रीन कलर्ड, ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी बट बी इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स डज ए एंड बी रिप्रेजेंट। ओके, कोबाल्ट प्लस 3 क्लोराइड है, इथिलीन डायमीन के साथ रिएक्शन करता है 1:2 रेशियो में है ना, कोबाल्ट 3 क्लोराइड है CoCl3, ये इथिलीन डायएमीन के साथ रिएक्ट करता है 1:2 रेशियो में है ना, 1:2 रेशियो,
वन मोल कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड का और टू मोल इथिलीन डायमिन का, है ना। तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोडक्ट बनाएगा कोबाल्ट प्लस थ्री स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 600 करता है, तो दो तो इथिलीन डायमिन आ गए और दो क्लोरीन लिगैट क्लोराइड लिगैट कर जाएगा, एक क्लोराइड बाहर होगा, है ना। तो अब इसमें देखो ये है ना कैसा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, है ना। इसके दो जी आई होंगे, इसके जी आई दो होंगे, एक सिस हो जाएगा एक ट्रांस हो जाएगा, है ना। और सिस वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी। ट्रांस वाले में पी ओ एस प्रेजेंट होने की वजह से इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड तथा एथिलीन डाइ टू आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ए कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, है ना। ऑप्टिकल एक्टिविटी जो शो करेगा ये ए सिस वाला शो करेगा, यानी बी हो गया ट्रांस, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर्स डज ए एंड बी रिप्रेजेंट, ए एंड बी रिप्रेजेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल आयन एंड इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज 2, द मेटल आयन इज, ओके। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ ए मेटल आयन एंड इट्स हाई स्पिन एंड लो स्पिन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो निकेल D8 है, निकेल D8 कॉन्फ़िगरेशन रखता है Ni2+, तो ये तो ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हाई स्पिन लो स्पिन बनाएगा ही नहीं, लो स्पिन हाई स्पिन बनता है केवल d4 d5 d6 और d7। यदि मेटल आयन का ये कॉन्फ़िगरेशन है, है ना, n-1d ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तभी हाई स्पिन और लो स्पिन बनेगा, ठीक है। और कह रहा है कि हाई स्पिन और लो स्पिन में ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर की बात है, यदि मेटल आयन 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो हाई स्पिन लो स्पिन d4 d5 d6 d7 में ही अपीयर होगा, ओके। अब देखो हाई स्पिन और लो स्पिन में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है वो 2 है, ठीक है। तो जैसे d4 की बात करें तो d4 में हाई स्पिन और लो स्पिन की बात करें तो t2z, है ना, d4 देख लो, d4 का हो जाएगा हाई स्पिन और लो स्पिन के अकॉर्डिंग बात कर लें, है ना, d4 हाई स्पिन और लो स्पिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हाई स्पिन में t2g3az1, ओके, t2g3az1, t2g3az1 यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बेटा यहां कितने हो गए, 3, 1, 4। और लो स्पिन यदि बनाएगा तो t2g4 हो जाएगा az0, t2g4 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2, तो यहाँ डिफरेंस जो है 4-2 = 2, ठीक है। तो एक तो d4 कॉन्फ़िगरेशन में ऐसा होगा, d5 की बात यदि करोगे, है ना, तो d5 में यदि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो ये हो जाएगा t2g3az2, और यदि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो पांचों इलेक्ट्रॉन t2g में चले जाएंगे, az में 0 होगा, तो t2g में पांचों इलेक्ट्रॉन चले गए तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो यहां आप देखो इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है और इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, तो यहां डिफरेंस 5-1 = 4 का हो जाएगा, तो d5 कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। इसी तरीके से d6 में देख लो, d6 यदि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है बेटा, ठीक है, तो ये t2g4az2 हो जाएगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 तो ईजी में और t2g में 2, 2, 2, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। और यदि यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन t2g में चले जाएंगे, ईजी हो जाएगा 0, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 0, तो 4-0 = 4, ठीक है।
इसी तरीके से D7 की बात करें तो D7 यदि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2Z हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स में T2Z5 और AZ2, तो T2Z5 एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन T2Z में और AZ में दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यदि यह लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G6AZ1, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन एक आ जाएगा, तो यहाँ डिफरेंस आ जाएगा 3 - 1 - 2। तो आप देख रहे हो है ना, 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस D4 में है और D7 में है। Ni2+D8 वो तो होना नहीं है, Cobalt+2 जो है, Cobalt+2 D7 हो जाता है, ठीक है, तो Cobalt+2 हो सकता है। Mn2+D5 नहीं होगा क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस 4 आ जाएगा। Fe2+ हो जाता है D6, अनपेयर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस यहाँ भी 4 है, तो CO2+ ही होगा बेटा। तो सातवां का आंसर है ना सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें, क्वेश्चन नंबर 8, मैच द मेटल विद द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या एंजाइम। ओके, कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन से कॉम्प्लेक्स में होता है, कोबाल्ट विल्किंसन कैटलिस्ट, रोडियम का कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, विटामिन B12 में है ना कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है विटामिन B12, ठीक है, तो ए का जो मैच हो जाएगा वो R हो जाएगा। जिंक विल्किंसन कैटलिस्ट नहीं, क्लोरोफिल नहीं, विटामिन B12 नहीं, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और ये जिंक का कॉम्प्लेक्स है, तो बी का मैच हो जाएगा एस। रोडियम विल्किंसन कैटलिस्ट का सेंट्रल मेटल आयन है, ठीक है, तो सी का मैच पी हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का कॉम्प्लेक्स है, तो डी का क्यू हो जाएगा, है ना। तो आप सेलेक्ट कर लो, ए का मैचिंग आर, बी का एस, सी का पी और डी का क्यू, ये ऑप्शन नंबर 2 में है, ARBSCPDQ, ओके, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखें हम लोग, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ थोरियम इन K4TH C2O4 होल 4 OH H2O होल ट्वाइस इज, है ना। तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछ रहा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये C2O4 ये ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेट आयन बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, तो बाइडेंटेट लिगेंड है ऑक्सलेट आयन, है ना, डेंटिसिटी इसकी 2 होती है, तो 2 × 4 प्लस H2O मोनोडेंटेट लिगेंड है, 2 है तो 1 × 2, तो 4 × 2 = 8 + 2 = 10, यानी जो सेंट्रल मेटल आयन है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 10 है और 10 फर्स्ट ऑप्शन में ही है, तो 9 का आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ ब्रिजिंग CO लिगेंड एंड CO-CO बॉन्ड इन CO2-CO8। तो CO2-CO8 का स्ट्रक्चर देखो बेटा इस तरीके से होता है, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच एक डेल्टा बॉन्ड होता है और साथ ही 2 CO लिगेंड इनको ब्रिज करते हैं, बाकी 6 CO लिगेंड दोनों कार्बोनिल के, दोनों कोबाल्ट के साथ 6 कार्बोनिल लिगेंड टर्न लिगेंड के रूप में प्रेजेंट, ये कॉम्प्लेक्स हो गया CO2-CO8 का स्ट्रक्चर। आपसे पूछ रहा है ब्रिजिंग CO लिगेंड, तो ब्रिजिंग CO लिगेंड है ना इन CO2-CO8, ये 2 हो गया ब्रिजिंग CO लिगेंड एंड CO-CO बॉन्ड, तो CO-CO बॉन्ड आप देख रहे हो 1 हो गया, तो 2 और 1 जो कि सेकंड ऑप्शन में है, तो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है, द मेटल डी ऑर्बिटल दैट आर डायरेक्टली फेसिंग द लिगेंड्स इन K3CO CN6। K3CO CN6 है ना, यहाँ कोबाल्ट प्लस थ्री स्टेट में है बेटा, और कोबाल्ट प्लस थ्री स्टेट का जो कन्फिग्रेशन होता है ये होता है D6। ठीक है, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है कोबाल्ट एटम का D7 3D7 4S2। तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, दो तो 4S निकल जाएगा, एक 3D से निकल जाएगा, तो 3D7 था तो 3D6 बचेगा D6। और D6 में ये जो बेटा साइनाइड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। और D2SP3 जो दो डी ऑर्बिटल होते हैं ये दोनों ही एक्सियल डी ऑर्बिटल होते हैं, DX²Y² and DZ²। ठीक है, तो इसमें DX²Y² and DZ² सेकेंड ऑप्शन में है, तो यही सेकेंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है Mn2CO10। ये MnCO5 का डाइमर है, इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, MnC बॉन्ड के कारण है ना। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जहां मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो Mn2C जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं मेटल कार्बोनिल्स, उनमें मेटल कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, इसलिए इनको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। तो फर्स्ट हो जाएगा ड्यू टू MnC बॉन्ड, एंड इट इज नोन एज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, 12 का तो आंसर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल होमोलेप्टिक मैग्नीज 2 कॉम्प्लेक्स इज 5.9 बोर मैग्नेटन, द सुटेबल लिगैंड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स इज। अब देखो Mn2+ है, और Mn2+ यदि फ्री स्टेट में हो बेटा, ठीक है, तो इसका कन्फिग्रेशन होता है 3D5, और 3D5 तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट μs इज इक्वल टू अंडर रूट n(n+2), 5 × 5 + 2 इज इक्वल टू √35 बोर मैग्नेटन आ जाएगा। ठीक है, और ये √35 करोगे ये 5.9 बोर मैग्नेटन आ जाएगा। तो Mn2+ यदि फ्री स्टेट में हो तो है ना 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जिसके करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट 5.9 बोर मैग्नेटन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स में भी जो मैग्नेटिक मोमेंट का डेटा है वह कह रहा है कि 5-6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पेयरिंग नहीं हुआ है, यानी लिगैंड वीक फील्ड है। अब देखो NCS में नाइट्रोजन डोनर है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है। इथिलीन डायमिन में भी नाइट्रोजन डोनर है, यह भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, नहीं होगा। साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, नहीं होगा। ठीक है, ओके, CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो CO का भी नहीं होगा। अब देखो इथिलीन डायमिन साइनाइड और CO तो वेरी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हो जाते हैं, इनमें वीकेस्ट फील्ड लिगैंड NCS- है, तो आंसर NCS- ही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें नाइट्रोजन डोनर है बट बहुत स्ट्रांग नहीं होता है NCS- SFL में है ना वीकर साइड में आता है, अपने कुछ चारों में वीकेस्ट फील्ड वाला लिगैंड चुनना है, क्योंकि पेयरिंग नहीं होनी है, तो चार ऑप्शन में से है ना पेयरिंग जो नहीं करवा सकता है वो NCS- ही है। ठीक है, क्योंकि इन सबों में सबसे कम फील्ड स्ट्रेंथ इसका है, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखें, क्वेश्चन नंबर 14 है, द फॉलोइंग लिगैंड इज, है ना। अब ये लिगैंड आप देखो यहां पे है ना आपसे पूछ रहा है कि ये लिगैंड का डेंटिसिटी आपसे पूछ रहा है ना, लिगैंड की डेंटिसिटी पूछ रहा है, तो डेंटिसिटी के लिए आप देखें है ना, ये एक नाइट्रोजन ये डोनर हो जाएगा, ये नाइट्रोजन डोनर हो जाएगा, और साथ ही साथ ये दोनों ऑक्सीजन जिस पर नेगेटिव चार्ज है ये डोनर हो जाएंगे, तो डोनर एटम इसके पास 1, 2, 3, 4 है, यानी टेट्राडेंटेट लिगैंड हो जाएगा बेटा, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 14 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15,
क्वेश्चन नंबर 15 में है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल आयन इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर पूछ रहा है। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मेटल आयन इन द फॉलोइंग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये सारे ही लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा है। वैनेडियम का साइनाइड के साथ है, ठीक है, आयरन का साइनाइड के साथ, रुथेनियम का अमोनिया के साथ, क्रोमियम का अमोनिया के साथ, है ना। और यहाँ पे आप देखो सारे ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है। वैनेडियम यहाँ पे है ना प्लस टू स्टेट में है, V2+। अब V2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट वैनेडियम का प्लस टू है क्योंकि चार्ज इस पर कॉम्प्लेक्स पर -4 है और साइनाइड लिगेंड पर -1 होता है, -1 × 6 -6 और x -6 = -4 यानी x = है ना +2। तो वैनेडियम +2 में है और वैनेडियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम 3D3 4S2 होता है, तो ये D3 हो जाएगा बेटा। और D3 में है ना जो तीनों इलेक्ट्रॉन ही अनपेयर्ड होंगे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 3 हो गए। आयरन Fe CN6 फोर माइनस है, आयरन यहाँ प्लस टू स्टेट में है, आयरन प्लस टू स्टेट में D6 कन्फिग्रेशन रखता है, लेकिन D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप देखो चूंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड है SFL है, तो ये पेयरिंग करवाएगा तो ये T2G6 इजी 0 हो जाएगा, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। ठीक है, रुथेनियम NS3 whole 6 3+ है, तो रुथेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। रुथेनियम आयरन के ही नीचे आता है, इसका भी है ना आयरन इसके नीचे आता है रुथेनियम, इसके नीचे आता है ऑस्मियम। ठीक है, तो रुथेनियम का कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 4D6 5S2। ठीक है, रुथेनियम +3 स्टेट में है तो ये D5 हो जाएगा, +3 स्टेट में D5। और अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और वैसे भी ये 4D सीरीज का है तो पेयरिंग होगा है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इफेक्ट आएगा, पेयरिंग होगा, तो T2G5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। क्रोमियम है ना +2 स्टेट में है और क्रोमियम +2 स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम का होता है 3D5 4S2। ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, ठीक है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है 3D5 4S1। ओके, 3D5 4S1, तीन इलेक्ट्रॉन क्रोमियम +2 स्टेट में, दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक 4S से जाएगा, एक 3D से जाएगा, तो D4 बचेगा। और D4 अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करवाएगा तो हो जाएगा T2G4 और T2G4 होने का मतलब है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। ठीक है, अब स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के अकॉर्डिंग आपको अरेंज करने के लिए कह रहा है, ये सारा ही अरेंजमेंट चारों ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सबसे ज्यादा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट तो V2+ का होगा। ठीक है, V2+ का मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा Cr2+ में है ना, इसके बाद Ru3+ में है और सबसे कम Fe2+ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का ये ऑर्डर हो जाएगा V2+ Cr2+ Ru3+ Fe2+ जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर इज, है ना, यानी ट्यूमर कैंसर, ठीक है, बिनाइन ट्यूमर और बिनाइन ट्यूमर के जो ग्रोथ को रोकता है, कैंसर के जो ग्रोथ को रोकता है यानी एंटी कैंसर एजेंट सिसप्लैटिन का इस्तेमाल होता है और ये फर्स्ट कंपाउंड ही ये सिसप्लैटिन है, PTCl2NH3 whole 2S, इसका जो दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस सिस फॉर्म को सिसप्लैटिन कहते हैं, इसका यूज है ना एंटी कैंसर ड्रग के रूप में किया जाता है, ये एक एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17 है, डीजनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ CrS2O होल 6 3+ R, है ना, आपसे इस कॉम्प्लेक्स में डिजनरेट ऑर्बिटल पूछ रहा है, ठीक है। तो आप देखो ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में है ना, दो सेट में टूट जाता है, DXY DYZ DZX, और दूसरा सेट होता है DX² Y² and DZ² का, है ना, आप जानते हो डी ऑर्बिटल दो सेट में टूटता है, ये 3 ऑर्बिटल का सेट और ये 2 ऑर्बिटल का सेट, ये तीनों डिजनरेट है, ये तीनों डिजनरेट है और ये दोनों डिजनरेट है। तो ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन DX² Y² and DXY, नहीं ये डिजनरेट नहीं रहे, DZ² and DXZ, नहीं डिजनरेट नहीं है, DYZ and DZ² डिजनरेट नहीं है, ठीक है, DXZ and DYZ, DXZ and DYZ, ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्वेश्चन नंबर 18 है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन डायरेक्टली इन CuSO4.5H2O, CuSO4.5H2O 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में 4 वाटर मॉलिक्यूल कॉपर के साथ लिगेट करता है और पांचवा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नॉट कोऑर्डिनेटेड टू कॉपर आयन, 4 कोऑर्डिनेटेड है तो नॉट कोऑर्डिनेटेड 1 रह गया, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है, ठीक है, तो 18 का आंसर बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 को देखें, द वन दैट विल सो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे कह रहा है कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो नहीं करेगा, ठीक है, द वन दैट विल सो, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, यह है क्वेश्चन। तो आप फर्स्ट में देखें ये ए बी है ना, बी बी और ए ए, ठीक है, यहाँ पे ये तीनों सेट जो है ए ए है ना, सेम लिगेंड आ गया, और सेम लिगेंड आ गया सेम सेट में, तो यानी ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। नेक्स्ट सेकंड को देखें, ए बी है ना, ए बी और ये इथिलीन डायमीन है, ठीक है, तो इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी बेटा है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी इसमें। थर्ड में देखो यहाँ ये ट्रांसफॉर्म है, इसको ऐसे काट दोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। फोर्थ में देखें ए, इसको ऐसे काट दोगे है ना, ऐसे भी काटोगे तो भी ऑप्टिकल, इसमें कई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेकंड है जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, तो 19 का आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखें, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, मैक्सिमम पॉसिबल डेंटिसिटी ऑफ ए लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड्स ए कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल एंड रिस्पेक्टिवली। अब इससे इसमें कह रहा है, ठीक है, कि इसमें मैक्सिमम डेंटिसिटी इसकी कितनी हो सकती है, यहाँ देखो 3 नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है, और जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है CO-, यहाँ 4 ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है, साथ ही साथ एक ऑक्सिलेट ग्रुप यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम डेंटिसिटी क्या होगी, है ना। तो पहले तो इसमें कि टोटल डोनर आइटम्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, ये एक्चुअली है डाई इथिलीन ट्राइएमीन पेंटा है ना एसीटेट आयन है, ठीक है। अब यहाँ देखो 8 डोनर आइटम है, ठीक है, तो वेरी लार्ज साइज मेटल आयन के साथ ये 8 का 8 डेंटिसिटी शो कर सकता है, बट थोड़ा स्मॉलर मेटल साइज होगा तो ये है ना, ये दोनों फिर डोनेट नहीं करेंगे तो बाकी 6 करेंगे कोऑर्डिनेट, ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल आयन के साथ ये 6 और इनर ट्रांजिशन के साथ ये 8 शो करेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन 4 में है, तो 4th विल बी आंसर। ओके, नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 21,
क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग फर्स्ट टू थर्ड आर। अब ये चार स्टेट, एक दो तीन, तीन स्टेटमेंट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। हाँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कलर एक्सप्लेन नहीं होता, कलर एक्सप्लेन होता है सीएफटी से, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। सेकेंड देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे करेक्ट चुनने का रहा है तो फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है वीवीटी कैन प्रेडिक्ट क्वांटिटेटिवली द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। नहीं, मैग्नेटिक मोमेंट का आइडिया वीवीटी नहीं दे पाता है, ये वीवीटी का फेलियर है। ये कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट का आइडिया देता है वीवीटी, तो सेकेंड करेक्ट नहीं है। थर्ड देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीवीटी कैन नॉट डिस्टिंग्विश लिगेंड एज वीक एंड अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। हाँ, वीवीटी लिगेंड के फील्ड स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं देता है कि वेदर लिगेंड इज वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, ये भी सीएफटी का ही आइडिया है। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी आंसर। देखें क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है द स्पेसीज दैट कैन हैव ए ट्रांस आइसोमर। ओके, अब ये ई एन सिंबॉल इथेन 1,2 डायमीन या इथिलीन डायमीन के लिए है, ओ एक्स ऑक्सलेट के लिए है। ट्रांस आइसोमर किसका पॉसिबल है, यानी कौन सिस ट्रांस आइसोमरिज्म यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है? तो वेरी फर्स्ट ऑप्शन देखें PTENCL होल ट्वाइस। यहाँ प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इथिलीन डायमीन 2 कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, बायरेंटेड लिगेंड है 2 कोऑर्डिनेशन नंबर क्लोराइड सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में ये प्लेटिनम प्लस 2 स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में यहाँ चूंकि दोनों ही क्लोराइड लिगेंड है, बाकी एक बायरेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट सेकंड देखें PTEN होल ट्वाइस Cl2 2 प्लस। यहाँ प्लेटिनम प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और कोऑर्डिनेशन नंबर देखो इथिलीन डायमीन 2,2,4 और 2 क्लोराइड 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ये जो PT4 प्लस है, PT4 प्लस को कोऑर्डिनेट करने वाला है ना, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर सेटिस्फाई करने वाला 2 बाइडेंटेड लिगेंड हो गया बेटा। 2 बाइडेंटेड लिगेंड, जैसे ये क्लोराइड ये दो, ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकी 2 इथिलीन डायमीन। आप जानते हो इथिलीन डायमीन में डोनर एटम नाइट्रोजन होता है, डोनर एटम को हम यहाँ शो कर रहे हैं, है ना, ये हो गया। दूसरा ये तो सिस फॉर्म हो गया, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा, है ना, और इसका ट्रांस फॉर्म ये हो जाएगा PT4 प्लस। ठीक है, और PT4 प्लस इसमें आप कर दो क्लोराइड इथिलीन डायमीन, है ना। अब यहां देखो दोनों क्लोराइड ही सिस पोजीशन पर है, यहां दोनों ट्रांस पोजीशन पर है, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है, है ना, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करता है, सेकंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 23 है ना, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, 3 कॉम्प्लेक्सेस COCl NS3 whole 5 2 plus, CONS3 whole 5 S2O 3 plus and CONS3 whole 6 3 plus absorb light in the visible region. The correct order of the wavelength of light absorbed by them. ठीक है, तो ये तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं बेटा, तीनों ही कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तीनों ही कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें आप देखो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है इसमें 5 अमोनिया लिगेंड 1 क्लोराइड लिगेंड है, सेकेंड कॉम्प्लेक्स में 5 अमोनिया लिगेंड 1 H2O लिगेंड है और थर्ड कॉम्प्लेक्स में 6 अमोनिया लिगेंड है। आप जानते हो अमोनिया स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है, तो
तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अधिक होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अधिक होगी तो जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ होगा वो कम होगा। आपसे पूछ क्या रहा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय देम, ठीक है। तो सबसे कम वेवलेंथ का तो कॉम्प्लेक्स थर्ड करेगा, है ना, कॉम्प्लेक्स थर्ड सबसे कम वेवलेंथ का करेगा। अब इन फर्स्ट और सेकेंड कॉम्प्लेक्स में देखो पांच पांच अमोनिया लिगैंड दोनों में ही है, और एक में क्लोराइड लिगैंड है फर्स्ट में और सेकेंड में H2O लिगैंड है। आप जानते हो H2O लिगैंड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू क्लोराइड लिगैंड, इसलिए ये जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है ये लोअर वेवलेंथ का एब्जॉर्ब करेगा और सबसे ज्यादा वेवलेंथ का फर्स्ट एब्जॉर्ब करेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप जानते हो लैम्डा जो एब्जॉर्ब होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लिगैंड, लिगैंड का फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा लैम्डा एब्जॉर्ब उतना ही कम होगा, इसी बेस पे ये क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 देखें। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE ऑफ दीज कॉम्प्लेक्सेस रेस्पेक्टिवली आर, इन दो कॉम्प्लेक्सेस का, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है 6H2O लिगैंड है, यहाँ निकल के साथ 4 क्लोराइड लिगैंड है, है ना, निकल +2 है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसमें आपसे पूछ रहा है CFSE। ओके तो वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का करें FeH2O होल 6, दो क्लोराइड लिगैंड बाहर है, यानी ये कॉम्प्लेक्स कैटायनिक +2 चार्ज, या आयरन +2 स्टेट में है, और आयरन +2 स्टेट होने का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 और D6, ये लिगैंड जो है H2O इज वीक फील्ड लिगैंड, H2O इज वीक फील्ड लिगैंड, वीक फील्ड लिगैंड में ऑक्टाहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग होगा, है ना, स्प्लिटिंग के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में, ये T2Z, ये AZ। अब यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड लिगैंड है, वीक फील्ड लिगैंड में पेयरिंग तभी होगा जब हर एक T2Z और AZ ऑर्बिटल फुल फील्ड हो जाएगा, सॉरी हाफ फील्ड हो जाएगा, तो हाफ फील्ड करो पहले, ये हाफ फील्ड हो गए, अब पेयरिंग स्टार्ट करनी है, पेयरिंग अब ये T2Z में एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, T2Z में जाकर के ये पेयर्ड हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ऑक्यूपाई हो गए। अब अपने को CFSE कैलकुलेट करना है, तो CFSE का फार्मूला क्या होता है, T2Z में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको आप पॉइंट माइनस 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4 × −4 × 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल प्लस ईजी में इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 × 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, तो ये 4 × 4 −1.6 हो गया, ये −1.2 हो गया, यानी ये हो गया −0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल, −0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। अब −0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल देखो ऑप्शन 2 में भी है, ऑप्शन 3 में भी है, ठीक है, तो इसका तो हो गया −0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल CFSE, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है, आप आराम से देख लो, है ना। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स K2NiCl4 का कैलकुलेशन करें CFSE का, तो K2NiCl4 यानी Ni जो कॉम्प्लेक्स है वह एनायनिक कॉम्प्लेक्स है NiCl4 2-, यहाँ बेटा निकल +2 स्टेट में है और निकल +2 स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D में 8, ठीक है, और D8 ये लिगैंड जो है क्लोराइड लिगैंड है, आप जानते हो क्लोराइड वीक फील्ड लिगैंड है ना, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है, टेट्राहेड्रल भी हो सकता है, लेकिन जब लिगैंड वीक फील्ड है ना और सेंट्रल मेटल आयन 3D सीरीज का है तो ये कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल ही होगा, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप जानते हो डी ऑर्बिटल 2 सेट में टूटता है, T2 सेट और E सेट में, और यहाँ पे T2 सेट और E सेट ऑर्बिटल जो होते हैं ये E सेट की एनर्जी लोअर होती है और T2 सेट के 3 ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ना, ये T2 T2
ना, टी टू सेट, इसकी एनर्जी हाइयर होती है, आप 8 इलेक्ट्रॉन है फिल करो, है ना। आप जानते हो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, है ना, जब तक सारे के सारे ई और टी टू ऑर्बिटल हाफ फिल नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं स्टार्ट होगी। तो ये टी टू में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, ई में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 3, 5 हो गए, अब पेयरिंग स्टार्ट होगा। ये 6ठा इलेक्ट्रॉन, ये 7वां इलेक्ट्रॉन, ये 8वां इलेक्ट्रॉन, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया टी टू और ई में। अब अपने को सी एफ एस ई कैलकुलेट कर देना है, है ना। सी एफ एस ई, सी एफ एस ई इज इक्वल टू -0.6 इंटू इलेक्ट्रॉन इन ई सेट, तो -0.6 डेल्टा टी इंटू इलेक्ट्रॉन इन ई सेट है 4, प्लस 0.4 डेल्टा टी इंटू टी टू सेट में इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। तो इसको आप ऐड कर दो, है ना। तो ये हो गया 4 × 4 = 16, 6 × 4 ये -0.8 डेल्टा टी, तो इसका हो गया -0.8 डेल्टा टी। अब आप देख लो किस ऑप्शन में है, ये थर्ड ऑप्शन में है, तो थर्ड ऑप्शन विल बी आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाएं। 25 में द करेक्ट स्टेटमेंट, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, गलत कथन आपसे चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनना है। ये 4 ऑप्शन है, 4 स्टेटमेंट है, 4 ऑप्शन में आपको इनकरेक्ट चुनना है, ठीक है। तो देखें, वेरी फर्स्ट ऑप्शन है द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स आर नियरली सिमिलर, ठीक है। Fe2O6+, अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए थे, है ना। ये Fe+2 स्टेट में है, D6 में T2Z4 और Ez2 था, T2Z4 और Ez2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया था, ठीक है। तो इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और CrS2O6+ करोगे, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4S1 होता है, क्रोमियम एटम का +2 स्टेट में है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो 4S का निकल जाएगा, और फिर एक इलेक्ट्रॉन 3D से निकलेगा तो 3D4 हो जाएगा, D4 हो जाएगा, है ना। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में है, तो D4 का इलेक्ट्रॉनिक, बट S2O इज वीक फिल लिगैंड, तो T2G3 Eg1 इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है, तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सेम होगा, तो ये तो करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट चुनना है, ठीक है। सेकेंड देखें, कलर ऑफ COCl NH3 5 2+ इज वायलेट एज इट एब्जॉर्ब द येलो लाइट, है ना। ये कॉम्प्लेक्स का कलर, है ना, वायलेट होता है, ये अब एक इंफॉर्मेटिव चीज है ना, कोबाल्ट का ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का होता है, ये इंफॉर्मेटिव चीज है, और वायलेट इसलिए होता है क्योंकि ये येलो लाइट एब्जॉर्ब करता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वायलेट का जो कम्प्लीमेंट्री, वायलेट एंड येलो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री कलर है, वायलेट दिखने का मतलब है वह सब्सटेंस येलो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, अपने को इनकरेक्ट चुनना है, तो थर्ड ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन थर्ड कर रहा है द जेम स्टोन रूबी है Cr3+ ion ऑक्यूपाइंग द ऑक्टाहेड्रल साइट ऑफ बेराइल, ठीक है। ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक ना। जेम स्टोन रूबी में Cr3+ ion होता है टेट्राहेड्रल साइट्स ऑफ बेराइल नहीं, ये एल्यूमिनेट है ना, एल्यूमिनेट के टेट्राहेड्रल, एल्यूमिनेट में इम्प्योरिटी होती है Cr3+ की, ठीक है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत हो गया, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द स्पिन ओनली, नेक्स्ट ऑप्शन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiNH3 4S2O2+ इज 2.83 बोर मैग्नेटन। अब यहाँ निकल +2 स्टेट में है, निकल +2 स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और निकल +2 स्टेट में होता है D8 में लिगेंड चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, ठीक है, वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट √8 बोर मैग्नेटन होगा, यानी 2.83 बोर मैग्नेटन, चौथा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन गलत था, तो थर्ड ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 26
क्वेश्चन नंबर 26, कंप्लीट रिमूवल ऑफ बोथ द एक्सियल लिगैंड फ्रॉम एन ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स लीड्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्प्लिटिंग पैटर्न रिलेटिव ऑर्बिटल एनर्जी नॉट ऑन अ स्केल। ऑक्टेहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आप देखो है ना, मान लो ये सेंट्रल मेटल आयन है, चार लिगैंड एक्स वाई प्लेन में, दो लिगैंड जेड एक्सिस पर, ठीक है। अब कहता है जेड एक्सिस से दोनों लिगैंड हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में चूंकि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल लिगैंड के सबसे ज्यादा नजदीक होता है तो इसकी एनर्जी सबसे हाईएस्ट होती है, देन डी जेड स्क्वायर की, देन डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के बाद डी एक्स वाई की, पहला नहीं होना है, सेकेंड डी एक्स वाई, फिर डी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स जेड डी वाई जेड। 26 का सही आंसर 2 है। स्क्वायर प्लेनर फील्ड में जो स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल की, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग का ये पैटर्न है, ये नीचे से ऊपर एनर्जी भर रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, देन डी एक्स वाई की, देन डी जेड स्क्वायर की, और सबसे लोअर एनर्जी डी एक्स जेड और डी वाई जेड की होती है ना। हाँ जी, तो देखें ये चार कॉम्प्लेक्स है, कराए किसके साथ, ये जो फिनांथ्रोलिन का सारे के साथ कॉम्प्लेक्स है, कराए द कॉम्प्लेक्स एंड दैट विल लूज इट्स क्रिस्टल फिलोस्टेबलाइज एनर्जी अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल टू प्लस थ्री स्टेट। तो आप यहाँ देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है एफई है ना, इसके साथ तीन फिनांथ्रोलिन लिगैंड इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है और ये एफई प्लस टू स्टेट में है। नाइट्रोजन डोनर लिगैंड जो होते हैं एफई टू प्लस के साथ वीक फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करते हैं, बट एफई थ्री प्लस के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव करने लगेगा, तो छः के छः इलेक्ट्रॉन डी सिक्स में आ जाएंगे, डी सिक्स के में आ जाएंगे तो इसकी सी एफ एस सी और भी लोअर हो जाएगी। यही आपसे पूछ रहा है सी एफ एस सी लूज सी एफ एस सी, तो सी एफ एस सी और लोअर हो जाएगी, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, कंपाउंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड प्वाइजनिंग। लेड प्वाइजनिंग के ट्रीटमेंट में है ना क्या चीज का यूज किया जाता है ना, तो लेड प्वाइजनिंग को हटाने के लिए एरिटा का यूज किया जाता है, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट आयन। ये लेड आयन को है ना, जो फ्री लेड आयन बॉडी में चला गया है उसको ये कॉम्प्लेक्स के रूप में ट्रैप करके और बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो ये 28 का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 29 नंबर, क्वेश्चन नंबर 29, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड एल्युमिनियम इन सीओ दिस एंड दिस कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली आर। तो यहां पे देखो कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर ये इथिलीन डायमीन बाइडेंटेड लिगैंड है, तो दो दुनी चार एक पांच, एक छह हो गया, दो दुनी चार, अच्छा ये क्लोराइड बाहर है, तो दो दुनी चार एक पांच, यहाँ कोबाल का कोऑर्डिनेशन नंबर फाइव है और यहाँ देखो ऑक्जलेट तीन है, ऑक्जलेट बाइडेंटेड लिगैंड है, तो दो गुना तीन छह हो जाएगा एल्यूमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर, तो फाइव एंड सिक्स ये ऑप्शन नंबर थर्ड में है। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, 30 का कह रहा है आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स देखो प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स है और ये सॉल्ट है, यहाँ क्लोराइड है ना, ये एनायन है, काउंटर एनायन है और ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स कैटायन है। कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं तो पहले कैटायन का नाम लिखते हैं, कैटायन में पहले लिगैंड का नाम लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये आप देख रहे हो ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, एक से ज़्यादा लिगैंड है, ये देखो दो अमोनिया लिगैंड है, अमोनिया ए से स्टार्ट होता है, इसके बाद क्लोरिडो लिगैंड है जो सी से स्टार्ट होता है, इसके बाद ये मिथेनामीन है जो एम से स्टार्ट होता है। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिगैंड का नाम लिखेंगे, तो ये एमीन दो है तो डाई एमीन हो जाएगा, डाई एमीन क्लोरिडो मिथेनामीन प्लेटिनम टू क्लोराइड, तो डाई एमीन क्लोरिडो मिथेनामीन प्लेटिनम टू क्लोराइड, ये ऑप्शन नंबर टू में है, हेंस ऑप्शन नंबर टू इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 देखें, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रेस्पेक्टिवली। गोल्ड और सिल्वर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कौन से इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर के इलेक्ट्रोप्लेटिंग में गोल्ड और सिल्वर के साइनो कॉम्प्लेक्स का यूज होता है और गोल्ड और सिल्वर का जो साइनो कॉम्प्लेक्स होता है ये ऑप्शन में आप देख लो, फर्स्ट ये गोल्ड का साइनो कॉम्प्लेक्स है, ये सही है, लेकिन सिल्वर AgCl2- ये नहीं होगा, इसलिए
यहाँ गोल्ड का हाइड्रोक्सी कॉम्प्लेक्स है, नहीं होगा। यहाँ गोल्ड का साइनो कॉम्प्लेक्स है, सिल्वर का भी साइनो कॉम्प्लेक्स है, और दोनों में गोल्ड और सिल्वर प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में ही है। ये थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखें। क्वेश्चन नंबर 32, द पेयर ऑफ मेटल आयन दैट कैन गिव ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.9 बोर मैग्नेटन फॉर द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स Ms2O6Cl2, यहाँ जो मेटल होगा ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है, सारे ही ऑप्शन में आप देखो, ठीक है। तो ये कौन से के लिए पूछ रहा है, पेयर ऑफ मेटल आयन के लिए कैन गिव ए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.9 बोर मैग्नेटन। तो आप यहाँ पे देखो प्लस टू स्टेट में वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम प्लस टू स्टेट में D3 है, D3 का मतलब 3 का 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, रूट 15 यानी 3.9 आ जाएगा। कोबाल्ट प्लस टू स्टेट में है और कोबाल्ट प्लस टू में होता है D7, है ना। कोबाल्ट का, कोबाल्ट मेटल एटम का कन्फिग्रेशन होता है 3D7 4S2, दो इलेक्ट्रॉन हटा, दोनों इलेक्ट्रॉन 4s हटेगा तो D7 आ जाएगा। और D7 में ये आप देख रहे हो H2O वीक फिल्डिगेंड है, वीक फिल्डिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो T2G और EG में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे, है ना, तो ये T2G5 और EG2 हो जाएगा, यानी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएंगे इसमें भी, और V2+ में भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दोनों में 3-3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 3.9 बोर मैग्नेटन आएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 देखें। क्वेश्चन नंबर 33 है, द थ्योरी दैट कैन कंप्लीटली या प्रॉपरली एक्सप्लेन द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन टेट्राकार्बोनिल निकल, CFT, VBT, वर्नर्स थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, है ना, ये 33 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कौन सी थ्योरी, है ना, बॉन्डिंग को कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकता है टेट्राकार्बोनिल निकल में। तो VBT तो नहीं कर सकता, ये वर्नर्स थ्योरी भी नहीं कर सकता, वेरी प्रिमिटिव थ्योरी है। अब CFT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इज मोर सुपीरियर देन CFT, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो कार्बोनिल में होता है, कार्बोनिल में बैक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको सिनर्जिक बॉन्ड कहते हैं, और सिनर्जिक बॉन्ड कार्बोनिल के पाई स्टार 2px यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है। पाई स्टार 2p में इलेक्ट्रॉन बैक डोनेट करेगा मेटल आयन, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर सकता है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 34 है, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्सेस Ma2B2 विथ sp3 एंड dsp2 हाइब्रिडाइज्ड मेटल एटम रेस्पेक्टिवली इज, ओके। क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लो। अब ये देखो यहाँ पे Ma2B2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, sp3 यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, है ना, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी तभी शो कर सकता है जब चारों ही लिगेंड डिफरेंट हो, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स हो कर सकता है, बाकी कोई भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना, ये A2B2 टाइप तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं करेगा, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म sp3 वाले में ये 0 हो जाएगा। और यदि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा और इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी, मॉलिक्यूलर प्लेन ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, एक से ज्यादा प्लेन ऑफ सिमेट्री होंगे, आप इसको ऐसे देख सकते हो, है ना, MAABB, ठीक है। तो आप इसको यदि ऐसे भी कट करते हो तो यह भी प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाएगा, ये सिस फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म या बना लो, चाहे सिस ले लो या ट्रांस ले लो, है ना, यहां AAB, चलो कैपिटल ए है, कैपिटल ए ही लिख देता हूं, है ना। इस ट्रांसफॉर्म को भी देखोगे तो ट्रांसफॉर्म में ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में ही प्रेजेंट है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसमें भी ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होगी। तो पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर फॉर द कॉम्प्लेक्सेस, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसलिए थर्ड आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखें। अमॉन्ग द स्टेटमेंट्स ए टू डी द इनकरेक्ट वन आर, चार स्टेटमेंट है ए टू डी, इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने से पूछ रहा है। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ए देखें, ऑक्टाहेड्रल CO3 प्लस कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल CO3 कॉम्प्लेक्स विथ अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैव वेरी हाई मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं, कोबाल्ट प्लस थ्री स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके 3D ऑर्बिटल में, ये 3D6 है और 3D6 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये पेयरिंग करवा देगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, लो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा, करा हाई मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसलिए ये इनकरेक्ट है और अपने से पूछ रहा है इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट ए हो गया। स्टेटमेंट बी चेक करें, व्हेन डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कम है पेयरिंग एनर्जी से, देन द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO3 इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज T2Z4Az2। ये सही है, कह रहा है कि यदि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लोअर है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है, और पेयरिंग नहीं होगी तो यदि D6 है तो T2Z में पहले हाफ फिल्ड होगा, फिर Az को हाफ फिल्ड करेगा, तीन दो पांच इलेक्ट्रॉन, अब एक इलेक्ट्रॉन बचा तो T2Z में जाकर के पेयर होगा तो T2Z4Az2 हो जाएगा, कन्फिग्रेशन बी सही। ऑप्शन सी देखें, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय CoEn होल थ्राइस 3 प्लस इज लोअर देन दैट ऑफ CoF6 3 माइनस, बिल्कुल ये भी सही है। इथिलीन डायमीन स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्गर फील्ड लिगेंड है तो यहाँ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हाइयर प्रोड्यूस होगा, एनर्जी गैप हाइयर होगा तो जो एब्जॉर्ब वेवलेंथ होगा वो लोअर होगा, ठीक है, जबकि फ्लोराइड वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लोअर होगा, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल लोअर होगा तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसका वेवलेंथ हाइयर होगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, बट अपने को इनकरेक्ट सेलेक्ट करना है। और स्टेटमेंट डी देखें, इफ द डेल्टा ऑक्टाहेड्रल फोर एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ CO3 इज 18,000 पर सेंटीमीटर, द डेल्टा टी फॉर इट्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आप जानते हो डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है 4/9 इंटू डेल्टा ओ, तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू हो जाएगा 4/9 इंटू डेल्टा ऑक्टाहेड्रल का वैल्यू दे रखा है कितना 18,000 पर सेंटीमीटर है, ओके, तो 9 2000 ये 8,000 पर सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना, यहाँ दिया हुआ है 18,000 पर सेंटीमीटर, ये गलत है, अपने को इनकरेक्ट चुनना है तो ए एंड डी इनकरेक्ट है, तो ए एंड डी इनकरेक्ट, ये ऑप्शन थर्ड में है ए एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, रेडॉक्स रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, ये चार रिएक्शन है, इसमें पूछ रहा है आपसे कि रेडॉक्स रिएक्शन कौन सा है। फर्स्ट रिएक्शन देखें, रिएक्शन ऑफ CuS2O होल 6 Cl3 विथ AgNO3, ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये Ag+ आयन क्लोराइड आयन को प्रेसिपिटेट करेगा, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, अपने को चुनना है रेडॉक्स रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन देखें, रिएक्शन ऑफ H2SO4 विथ NaOH, NaOH बेस H2SO4 एसिड, ये एसिड बेस रिएक्शन है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो यहाँ आप देखो ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन, यहाँ ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है, इसलिए यह भी रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ डाई नाइट्रोजन विद डाई ऑक्सीजन एट 2000 केल्विन, बिल्कुल नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, N2+O2, है ना, ये 2NO, या नाइट्रोजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 37, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर्स, Ma3B3 टाइप फेसियल और मेरिडियोनल आइसोमर्स हो करता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के टाइप्स हैं, तो Ma3B3 टाइप कॉम्प्लेक्स चुन लो, ये सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स A टू D, ये चार कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनमें
स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का ऑर्डर अपने से पूछा जा रहा है। तो देखो वेरी फर्स्ट टेट्राकार्बोनिल निकल, टेट्राकार्बोनिल निकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका जीरो। निकल यहाँ प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एस टू ओ वीक फील्ड लिगैंड है, एस टू ओ वीक फील्ड लिगैंड है, तो डी एट निकल प्लस टू में, निकल प्लस टू में डी एट है, और डी एट है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड लिगैंड है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो हो जाएगा। सी में देखें यहां भी निकल प्लस टू स्टेट में है, कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, लिगैंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, पेयरिंग हो जाएगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां जीरो हो जाएगा। ये PDCl2 PPS3 होल ट्वाइस, पैलेडियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, और पैलेडियम 4D सीरीज का है, तो पेयरिंग यहां होगी ही होगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो यहां भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है। तो ए सी और डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है, और बी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दो है, तो बी का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा है और ए सी और डी का बराबर, और वो जीरो के बराबर है। ठीक है, तो ए सी डी का इक्वल एंड बी का ग्रेटर, ये फर्स्ट ऑप्शन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमोंग ए टू डी द कॉम्प्लेक्स दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। वेरी फर्स्ट देखें ए, यहां ये चार लिगेंड है, प्लैटिनम प्लस टू स्टेट में है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एम ए थ्री बी टाइप है, ये नहीं करेगा। बी देखें, ये भी ए बी फाइव टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, नहीं करेगा। ये ए टू बी सी टाइप कॉम्प्लेक्स है, ये करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये एम ए फोर बी सी टाइप है, ये भी करेगा। तो सी और डी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, सी एंड डी, ये ऑप्शन वन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, पी डी एफ सी एल बी आर आई हैज एन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, देन द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट एंड क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ एफएसीएन 6 एंड माइनस 6 रेस्पेक्टिवली आर। ओके, अब इसमें देखो एम ए फोर बी एम ए बी सी डी टाइप कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो जाएंगे 3, तो एन का वैल्यू हो गया 3, है ना, यानी ये एफ ई सी एन 6 एफ ई सी एन 6 एन माइनस 6 यानी 3 माइनस 6 और 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3 यानी एफ ई प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो गया यहां, और 6 के 6 साइनाइड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, और एफ ई 3 प्लस में डी में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एफ ई के 3 डी में 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एफ ई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3 डी 6 4 एस 2, तीन इलेक्ट्रॉन निकालोगे, दो इलेक्ट्रॉन 4s से, एक इलेक्ट्रॉन 3d से, तो 3d में 6 था, एक निकल जाएगा तो बचेगा 3d 5, और ये साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो पेयरिंग करवाएगा इसके ईजी और T2z ऑर्बिटल में, है ना, D5 पेयरिंग करवाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक रह जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक, तो मैग्नेटिक मोमेंट रूट 3 यानी 1.73 मोर मैग्नेटन। और आप देखो आपसे पूछ रहा है CFSA भी, तो CFSA इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा एक्टाहेड्रल इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2z ऑर्बिटल्स, ये 5 है, AZ में तो 0 है, तो ये माइनस 2 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो ये थर्ड ऑप्शन में है, मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 बोर मैग्नेटन एंड CFSA माइनस 2.0 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। देखें कॉम्प्लेक्स एक्स ऑफ कंपोजिशन CrS2O होल 6 CLN हैज स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 3.83 बोर मैग्नेटन इफ
इट रिएक्ट्स विथ AgNO3 एंड सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज द UPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एक्सिस. ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो. CrH2O(6) Cl है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्रोमियम का मान लें ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस x प्लस में. ओके, मैग्नेटिक मोमेंट इसका जो म्यू एस है, और म्यू एस इज इक्वल टू होता है अंडर रूट n इंटू एन प्लस 2 बोर मैग्नेटन इज इक्वल टू दे रखा है 3.83 यानी रूट 15. ठीक है, दिस एम्प्लॉय n का वैल्यू हो गया 3, n का वैल्यू हो गया 3 यानी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है क्रोमियम प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1. ठीक है, आप इससे इतना इलेक्ट्रॉन निकालो कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए, तो जाहिर सी बात है 3d में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचना है, तो एक 4s से निकलेगा और दो 3d से निकलेगा, तब 3d3 होगा. ठीक है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकला तो क्रोमियम पे चार्ज हो गया प्लस 3, क्रोमियम पे चार्ज हो गया प्लस 3 यानी Cl3 हो जाएगा. ओके, तो ये इतना से हम लोग तय कर लिए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 है, इसलिए कंपाउंड ये है CrH2O(6Cl3). ओके, अब कह रहा है कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में शो करता है और AgNO3 के साथ भी रिएक्ट करता है. तो AgNO3 के साथ रिएक्ट करता है यानी कम से कम एक क्लोरीन बाहर है, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज में शो कर रहा है. ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरेज शो करने के लिए कम से कम दो क्लोरीन भीतर होना चाहिए, तीनों भीतर हो सकता है, लेकिन तीनों यदि आप भीतर कर दोगे, ठीक है, तो बाहर क्लोरीन नहीं होगा, तो AgNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. इसलिए ये दोनों ही इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इसका जो एक्चुअल फार्मूला होगा ये होगा H2O(4Cl2Cl.2H2O). ओके, अब इसका IUPAC नाम पूछ रहा है, तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ये एक्वा लिगेंड 4 है, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड डाइहाइड्रेट, है ना, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3rd क्लोराइड डाइहाइड्रेट, ये ऑप्शन नंबर 4 में है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देखें. क्वेश्चन नंबर 42 है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज. स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अपने से पूछ रहा है इन कॉम्प्लेक्सेस में. आप वेरी फर्स्ट कॉम्प्लेक्स देखो, इसमें क्रोमियम प्लस 2 में है, और क्रोमियम प्लस 2 में D4 हो जाता है, 6 वीक फील्ड लिगेंड है, यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2Z3Az1. ओके, चूंकि H2O वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, T2Z3Az1, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग ही अपन रख देंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का डिक्रीजिंग ऑर्डर, यानी स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो ये फर्स्ट में निकल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है. सेकंड देखें, Na4FeCN6 है, यहाँ आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, आयरन प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है Fe+2 में, तो Fe+2 का कन्फिग्रेशन D6, और D6 में यहाँ साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, पेयरिंग करवा देगा, तो ये हो जाएगा T2Z6Az0, यानी यहां अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 0. थर्ड देखें, Na3FeC2O4(3). यहां कह रहा है कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी है. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग एनर्जी कम है, पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है. यहाँ आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, -2×3 -6, और ये +3, यानी आयरन यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होने का मतलब है D5 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, और यहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है, ऑक्सीलेट इसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये हो जाएगा T2Z5Az0, और T2Z5Az0 का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया. नेक्स्ट चौथा ये है टेट्रा इथाइल डाइएमीन कोबाल्ट टेट्रा क्लोराइड. अब यहाँ देखो,
ये COCl4 ये इस पे चार्ज हो जाएगा +1 × 2 + 2, तो COCl4 टू माइनस हो गया, है ना। ये Et4n है ना, इस पे चार्ज है प्लस, है ना, तो ये COCl4 टू माइनस, यानी यहाँ कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में D में 7 इलेक्ट्रॉन, कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा CN4, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये जो लिगैंड है क्लोराइड है, क्लोराइड वीक फील्ड लिगैंड है, तो वीक फील्ड लिगैंड होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, तो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना, तो कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और टेट्राहेड्रल होगा तो टेट्राहेड्रल में ये ईजी, ये टी टू लिखेंगे, यहाँ जी सिमेट्रिक टर्म नहीं आएगा, ये ई, ये टी टू, है ना। अब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ई 4 टी टू 3 हो गया, तो 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 3, है ना, तो सबसे ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट में हो गया, इसके बाद फोर्थ में हो गया, इसके बाद थर्ड में हो गया, और सेकंड में तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है 0, तो फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है जो कि ऑप्शन थर्ड में है, ओके। और नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, आइसोमर्स ऑफ CONH3O4Cl2 दैट हैव CL COCl एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये देख रहे हो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, A4B2 टाइप, है ना, इसके दो ही आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस बनेगा, ट्रांस में तो क्लोरीन जो है ये 180 पर होगा, सिस में क्लोरीन 90 डिग्री पर होगा, तो सिस ओनली, इसी में क्लोरीन एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है, द वॉल्यूम ऑफ 0.125 mAgNO3 रिक्वायर्ड टू क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेट क्लोराइड आयंस इन 0.3 ग्राम ऑफ CONH3 Cl3 CONH3 होल 6 Cl3, ये कॉम्प्लेक्स, ओके। तीन क्लोराइड प्रेसिपिटेबल है, तो जितना क्लोराइड प्रेसिपिटेबल है उतना ही Ag+ आयन चाहिए, तो है ना, एक मोल के साथ रिएक्ट करने के लिए AgNO3 का 3 मोल चाहिए, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू 3 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स है CONH3 होल 6 Cl3, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 इज इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में मोलरिटी इज इक्वल टू 3 × मोल्स ऑफ AgNO3 मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का मोल नहीं दे करके वेट दे रखा है, तो ये वेट अपॉन मोलर मास कर देंगे नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और मोलर मास दे रखा है 267.46, है ना, तो यहां वॉल्यूम लीटर में आ जाएगा 3 × 0.3 / 267.46 अपॉन मोलरिटी, तो मोलरिटी दिया हुआ है AgNO3 सॉल्यूशन का 0.125, तो 0.125, ओके। अब इस वॉल्यूम को मिलीलीटर में चेंज करना है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी 3 × 0.3 × 1000 अपॉन
267.46 इंटू 0.125। ओके, ये कैलकुलेशन करोगे बेटा, ये कैलकुलेट करके आ रहा है 27 मिलीलीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, कॉम्प्लेक्सेस ML5 ऑफ मेटल्स निकल एंड आयरन हैव आइडियल स्क्वायर पिरामिडल एंड ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री रेस्पेक्टिवली, द सम ऑफ 90 डिग्री 120 एंड 180 डिग्री LML एंगल इन द टू कॉम्प्लेक्सेस। तो एक तो बेटा देखो स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर है ना, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर ये होता है, इसमें देख लो 90 डिग्री का कितने एंगल हो जाएंगे, ये चारों लिगैंड एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहा है और ये लिगैंड इन चारों के साथ बना रहा है, तो चार चार 8 90 के हो गए और 180 के एक और एक दो एंगल हो गए, तो यहां कुल मिलाकर के 10 एंगल हो गया। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री में 90 डिग्री का एंगल देखो है ना, ये लिगैंड इन तीनों के साथ 90 पर है, ये भी इन तीनों के साथ 90 पर है, तो 90 डिग्री के 6 एंगल हो गए, 180 डिग्री का केवल एक एंगल और 120 डिग्री का एंगल आप देखो 120 का ये तीन हो गया, एक दो तीन, 120 के 3 एंगल हो गए, तो ये भी 10 हो गया, ऐसे टोटल एंगल्स पूछ रहा है, तो 10 + 10 यानी 20 हो गया, इसका आंसर 42 का 20 है ना। ओके, तो ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में 2019 और 2020 के जेईई मेन में पूछे गए सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, तो आज बस इतना ही, फिर कभी मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।